Hi guys, this is Anjali and welcome back to my channel and thank you so much for watching this video. और guys, आगे बढ़ने से पहले please मेरे इस channel को subscribe कर दीजिए और अगर आपको पसंद आता है ये video तो please इसे like भी कर दीजिएगा. तो गाइज, अपना आज का ये वीडियो मैं शूट कर रही हूँ किचन में. तो आप सोच रहे होंगे किचन में क्यों. वेल, हम मैरिड गर्ल्स के लिए किचन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेस होता है. इनफैक्ट हमारे पूरे दिन का ज्यादा से ज्यादा समय किचन में ही बीतता है, किचन के कामों में. तो आज मैं अपने इस वीडियो में आपसे किचन से रिलेटेड कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट्स शेयर करने वाली हूँ जो मैंने रिसेंटली परचेज किए हैं अमेजोन से. गाइज, सीरियसली ये प्रोडक्ट्स बहुत ही यूनिक है और आई एम श्योर आपके लिए काफी काम के भी होंगे क्योंकि मुझे सीरियस अपने लिए बहुत ही यूजफुल लगे हैं. तो इन प्रोडक्ट्स के जो भी परचेज के लिंक हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी. तो अगर आपको ये प्रोडक्ट्स पसंद आते हैं तो आप वहां से जाके परचेज कर सकते हैं. तो ये कुछ और प्रोडक्ट्स हैं गाइस. ये वाला कोरियर मुझे आज ही रिसीव हुआ है दिन में. ये मैंने अभी तक ओपन भी नहीं किया है और ये मुझे कल रिसीव हुए थे, मैंने इन्हें ओपन करके देख लिया है. तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या है ये प्रोडक्ट्स. ये वाला बॉक्स मैंने कल ही ओपन कर लिया था. तो इसके अंदर ये है. अब आप सोच रहे होंगे ये क्या है, तो मैं अभी इसके बारे में बताती हूँ. पहले सारे प्रोडक्ट्स निकाल के बाहर रख लेती हूँ. दूसरा प्रोडक्ट है ये और ये वाला बॉक्स मैंने अभी तक ओपन नहीं किया है, तो इसको जस्ट ओपन कर लेती. काफी अच्छी पैकिंग है, एयर बैग से पूरा अच्छे से पैक किया गया है इसको. और इसके अंदर आया ये चॉपर. तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं. ये है सिलिकॉन हैंगिंग. आपके किचन में जो भी छोटी छोटी चीजें होती है जो हम सिंक के पास रखते हैं और काफी मैसी हो जाता है हमारे सिंक का वो पूरा एरिया, जैसे कि हमारे स्क्रबर है या अगर आप लिक्विड यूज करते हैं बर्तन क्लीन करने के लिए, तो इसको आप टैप पे हैंग करके इजिली इसके अंदर सारी चीजें स्टोर कर सकते हैं. तो अभी आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से इसको आप हैंग करना है आपको और किस तरह से इसमें आप अपनी जो किचन का मैसी सामान होता है स्पेशली सिंक के पास उसे कैसे स्टोर कर सकते हैं. तो ये देख सकते हैं आप, काफी सॉफ्ट प्लास्टिक है इसका, एडजस्टेबल है ये. तो आपका जो भी साइज है आपके टैप का उसके अकॉर्डिंग आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं. यहाँ पे बटन दिया हुआ है, होल्स दिए हुए हैं इसमें आगे साइड में नीचे भी, सो दैट कि जो भी पानी होता है सिंक के पास का आप जो भी चीजें इसमें रखते हैं वो इजिली ड्रेन हो जाए. और कलर भी काफी अच्छे हैं, मैंने चूज ब्लू एंड ग्रीन दो कॉन्ट्रास्ट कलर चूज किए हैं. तो कलर्स भी बहुत अच्छे हैं और काफी सॉफ्ट है, लाइट वेट है. और दूसरा जो प्रोडक्ट है वो है ये टैप में लगेगा. दिस इज वेरी गुड प्रोडक्ट और सीरियसली मुझे बहुत पसंद आया. और अगर आप मेरी तरह वाटर सेवर हैं और पानी बचाना पसंद करते हैं, पानी बचाने में बिलीव करते हैं, तो ये तो आपको डेफिनेटली लेना चाहिए. ये देख, तो इसका डिजाइन बहुत अच्छा है देखिए. और दूसरी चीज ये है कि ये काफी हद तक आपका पानी बचाएगा किचन में. जब हम बर्तन धोते हैं तो काफी हैवी पानी आता है जस्ट सेंटर पे, बट ये शावर स्टाइल है तो पानी इससे एक तो सेव होगा प्लस अच्छी तरीके से स्प्रेड होगा वाटर, तो आपके बर्तन ज्यादा अच्छे से क्लीन होंगे. प्लस इसमें टू इन वन है, अगर आपको कभी सिर्फ सेंटर में पानी चाहिए तो आप इस तरह से इसको ओपन कर सकते हैं और इसे क्लोज करके फिर साइड से पानी आएगा. तो इसको कैसे टैप में लगाना है और फिर कैसे यूज करना है ये भी मैं बताऊंगी आपको. और अब बात करते हैं इसकी, इस प्रोडक्ट की. तो ये तो मुझे आज ही रिसीव हुआ है, मैंने इसे इनफैक्ट अभी ओपन करके भी नहीं देखा है. तो ये है चॉपर. मुझे इसमें खास बात ये लगी ना कि इसका एक तो साइज बहुत बड़ा नहीं है क्योंकि ऑलरेडी किचन में इतना सारा सामान हो जाता है कि रखने के लिए स्पेस नहीं होता है. तो ये जैसे एक मिनी चॉपर है, काफी अच्छा लग रहा है ये. आई मीन काफी स्ट्रांग है और देखिए अंदर इसके ऐसे ब्लेड्स दिए हुए हैं, काफी शार्प है. ओके, वाओ, मैंने भी यूज नहीं किया तो मुझे इतना पता नहीं है, बट आई थिंक इसमें आपको जो भी आपको वेजिटेबल्स हैं वो इसमें डालनी है. तो उसके बाद ये लिड लगानी है
and you have to just बंद हो गया है ओके okay. अब इसको आपको जस्ट इस तरह से खींचना है और इसके अंदर आपकी सब्जियां वेजिटेबल्स सैलेड जो भी आप चाहते हैं वो सब ऐसे चॉप होगा वाओ सीरियसली गाइस मुझे बहुत पसंद आ रहा है ये प्रोडक्ट बहुत मींस बहुत ओके क्लीनिंग के लिए आप इसको ऐसे रिमूव भी कर सकते हैं और ये इसका कवर है और काफी अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक है गाइस ये और ये दोनों ही ना मैं चेक कर रही हूँ काफी अच्छी क्वालिटी है इसकी और ये देखिए कितना इजी टू यूज है कैसे यूज करना है मैं बताती हूँ आपको इसके अंदर आपको जस्ट वेजिटेबल्स या जो भी आपको चीजें कट करनी है वो डालनी है इसके कैप को इस तरह से प्लेस करना है ये हो गया बस इतना ही करना है उसके बाद बहुत इजी है इसको जस्ट आपको ऐसे पुल करना है और पुल करने से आप देखिए अंदर ब्लेड्स कैसे घूम रहे हैं बस आपको जस्ट इतना ही करना है और आपकी वेजिटेबल्स कट गई इससे अच्छा और क्या हो सकता है गाइस सीरियसली मुझे ये चाहिए ही था क्वालिटी बहुत अच्छी है कलर देखिए कितना अच्छा है ग्रे पे ऑरेंज कलर दिया है साइड में तो बहुत अच्छा कलर है और उसके बाद इसके साथ में ये लिड भी दी हुई है इसको ओपन कर लेती हूँ मैं ओके तो अगर आपको कभी वेजिटेबल्स काटने के बाद आप चाहते हो कि बाद में यूज करना है तो इसके ऊपर जस्ट लिड लगा के आप इसको फ्रिज में भी स्टोर कर सकते हो ये सारे प्रोडक्ट्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी पर आप एक बार चेकआउट जरूर करना क्योंकि मुझे सीरियसली पर्सनली मैं इसे रेकमेंड करूंगी कि मुझे बहुत ही पसंद आया है ये तो आर्टिकल ब्रांड का है ये आप देख सकते हैं और सारा डिटेल यहाँ पे दिया है कि किसकी इसकी जो ब्लेड्स हैं वो काफ़ी हाई पावर की हैं काफ़ी शार्प हैं तो काफ़ी अच्छी से आपका ये चीज़ें कट करेगा और ये लिड दी है बोल के ऊपर तो आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं और किस तरह से इसको यूज़ करना है वो सारी चीज़ें मेंशन है यहाँ पे बट अदरवाइज इसमें ऐसा कोई इतना भी कुछ टफ नहीं है सिंपल आपको इसमें वेजिटेबल्स या आप जो भी चीज़ें डालना चाहें वो डाल के आपको जैसे इसको पुल करना है और उसके बाद अगर आपका कुछ सामान बच जाता है तो आप इसको इजिली स्टोर करके भी रख सकते हैं बट आई मस्ट से गाइस बहुत अच्छी इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है इसका डेमो तो मैं आपको कभी बाद में दूंगी जब मैं वेजिटेबल कट करूंगी डेफिनेटली आप मेरे किसी वीडियो में इसका देखेंगे डेमो गाइस और ये सारे प्रोडक्ट्स बहुत ही रीजनेबल हैं इनकी प्राइस भी बहुत कम है ये सिलिकॉन हैंगिंग्स के टू का ही सेट है और सिर्फ 200 रुपीज का है और ये टैप ये भी सिर्फ 200 रुपीज का है और ये चॉपर बहुत ही ज्यादा रीजनेबल और बहुत ही ज्यादा वर्थ लगा है मुझे इसका प्राइस भी आज ही मुझे रिसीव हुआ है तो बिल है मेरे पास इसका ये भी है सिर्फ 300 रुपीज का तो बहुत अच्छा परचेज है दैट मीन्स कि मैंने ये सारी शॉपिंग की है 3, 5, 6, 7 सिर्फ 700 रुपीज में मैंने इतनी सारी यूजफुल चीजें ली हैं और सारी की सारी चीजें बहुत वर्थ है तो देखिए आप देख सकते हैं ना कि किस तरह से किचन में हमें जो स्क्रबर है ये सारी चीजें किस तरह से रखनी पड़ती है तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे यूज करना है जैसे ये मेरे नल का टैप है ये मेरा टैप है इसका हाइट आप एडजस्ट कर सकते हैं अगर आपको ये हाइट ज्यादा लग रही है तो आप इसको इस हाइट पे रखिए और जस्ट ये इसको हैंग करके अब मैं जो भी चीजें हैं मेरी स्क्रबर वगैरह वो इसके अंदर अगर इसमें पानी भी होगा तो इसमें होल्स दिए हुए हैं तो ये यहाँ से इजिली ड्रेन हो जाएगा दूसरा वाला भी हैंग कर देती हूँ मैं इसके ये देखिए किस तरह से ये सारी चीजें इसके अंदर आ गई हैं आप और चीजें भी इसके अंदर आप चाहो तो किचन में रख सकते हैं अब किचन काफी अच्छे से मैनेज हो गया है अब मैं आपको टैप लगाना दिखाती हूँ देखिए इस तरह से हम जब किचन में यूज करते हैं तो कितना ज्यादा पानी आता है जिसमें हम थोड़ा सा करते हैं बाकी सारा पानी वेस्ट होता है लेकिन अगर आप इसको इस तरह से लगाएंगे बहुत ही ईजी है लगाना जैसे आपको अपने नल पे इसको ऐसे लगाना है
अभी देखिए पानी कितना कम आ रहा है, इनफैक्ट उतना ही आ रहा है जितना हमें चाहिए। और अगर आप अभी इस तरह से स्प्रेड हो रहा है तो आप इजीली क्लीनिंग कर सकते हैं। दूसरा ये मूवेबल है तो इसको अगर आप सफाई आपको इस तरह से आप सिंक के चारों तरफ भी चाहे तो इसको पकड़ के क्लीन कर सकते हैं। और एक और फीचर है इसके अंदर कि इस टैप को आपने ये किया तो पानी जस्ट सेंटर से आएगा और इधर किया तो शार्प साइड में आएगा, तो ये भी काफ़ी अच्छा और यूज़फुल प्रोडक्ट है। ये दोनों ही काफ़ी यूज़फुल और अच्छे प्रोडक्ट हैं आपके सिंक एरिया के लिए। और ये तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप ज़रूर लीजिए और प्लीज़ पानी बचाने में अपना भी कॉन्ट्रीब्यूशन करिए। तो गाइज ये था मेरा रिव्यू किचन की कुछ यूनिक और डिफरेंट प्रोडक्ट्स का। तो अगर आपको प्रोडक्ट पसंद आए तो आप बिल्कुल परचेज कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और अगर आपको ये वीडियो की जो प्रोडक्ट्स हैं या मेरी जो जानकारी मैंने आपको दी वो यूजफुल लगी है तो प्लीज इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए सो दैट कि मैं आपके लिए ऐसे अच्छे अच्छे यूजफुल वीडियोज बनाती रहूँ और लाती रहूँ। तो मिलती हूँ जल्दी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। Hello, hi, you are my boss on the neck. I love you.